सीए विरोधी आंदोलन की पृष्ठभूमि से अस्तित्व में आई असम जातीय परिषद शुरुआत से ही विवादों में घिर गई है। नई राजनीतिक पार्टी अपने नाम से लेकर स्लोगन तक विवादों में घिर चुकी है। भाजपा ने नई राजनीतिक पार्टी पर हमला बोला है। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। अस्तित्व में आने के साथ ही विवादों में घिरी असम जातीय परिषद, नाम और स्लोगन कॉपी करने का लगा आरोप। भाजपा ने असम जातीय परिषद पर बोला हमला, पुरानी बोतल में नई शराब से की तुलना। नागरिकता संशोधन कानून विरोधी आंदोलन की पृष्ठभूमि से अस्तित्व में आई असम जातीय परिषद शुरुआत से ही विवादों में घिर गई है। नई राजनीतिक पार्टी अपने नाम से लेकर स्लोगन तक विवादों में घिर चुकी है। बताया जा रहा है कि 15 अगस्त 1989 में असम गण परिषद से अलग होकर कुछ लोगों ने असम जातीय परिषद नामक राजनीतिक दल का गठन किया था। आज के असम जातीय परिषद के गठन में मुख्य भूमिका निभा रहे वसंत डेका और कृष्ण गोपाल भट्टाचार्य उस समय के असम जातीय परिषद के गठन के दौरान भी शामिल थे, जिसके बाद एक ही नाम पर नई राजनीतिक पार्टी के गठन के बाद क्षेत्रीय दल विवाद में आ गया है। वही भाजपा के युवा नेता तथा मंत्री पीयूष हजारिका ने इस नई पार्टी को पुरानी बोतल में नई शराब के मुहावरे से तुलना की है। तहलोग अहमर गुणी ज्ञानी व्यक्ति मय सम्मान सहकारे কইছো এই যে অগপ বা এজিপির যেটো হ্যাংওভার তেখেতর পেটার পড়া কৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য ডাঙরিয়া আর বসন্ত ডেকা ডাঙরিয়া মুক্তি আজিও নাপালে। নতুন চিন্তা চর্চা করুক, নতুন দল বনাওক, নতুন সিদ্ধান্ত দিয়ক, নতুনের আরম্ভণি করুক, তেতিয়া হয়তো রাইজে কিবা কইলে হয়। নতুনত্ব তো একুই নাই, এটু পুরনি পুরনি মানে পুরনি বোতলত নতুন মদ ঢালার বাইরে একু নহয়। यही नहीं, मंत्री पीयूष हजारिका ने नई पार्टी पर नाम स्लोगन सभी कॉपी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि असम जातीय परिषद ने स्लोगन घरे घरे आमी भाजपा के स्लोगन घर घर में मोदी से कॉपी किया है। वही पार्टी का नाम भी एजीपी के साथ मिलता जुलता एजेपी रखा गया है, ताकि लोगों में एजीपी और एजेपी को लेकर दुविधा बनी रहे। इससे पार्टी की नीयत साफ झलकती है, नई पार्टी से लोगों को ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। गति के तीन कथा स्लोगानो बीजेपी तहतलोक कपि पेस्ट कर तरपत नाम तो जतियों परषद 1989 आखेलोक लोले तार कपि पेस्ट कर ए जि पगत मिला ए जे पी को तरपत एक दिनाएलोक प्रथम दिना मूल तहतलोर यही आंदोलन दलटर जन्म जी पटभूमि आरपा आतरी गल एनेकदिना मानुक प्रतारणा कर दल तो आम के देखा ना प्रथम दिना गति के पास पाशतलोक राइज राइजे निश्चयक चिंता मैं आको कौ फुटा कलहत पानी ढाली लाभ ना राइजे सिद्धांत निश्चय लग। उन्होंने कहा कि नई राजनीतिक पार्टी विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए कोई फैक्टर नहीं है। नई राजनीतिक पार्टी सीएए विरोधियों की ही वोट काटेगी, भाजपा को इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। লাভ নাই, লাভ নাই। বিজেপিক মূল শত্রু হিসাবে লৈছে সকলোৱে, কারণ বিজেপি সো পাওয়ারফুল, মানুষের মজুত বিজেপি সুমাই পড়ছে। আমি যিখিনি যা সাড়ে চারি বছর রাইজর কারণে কাম করছো, রাইজে বিজেপিক মরম করেছে, সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙরের নেতৃত্ব সরকারখনে মানুষের মজুত সুমাই পড়ছে, গতি সকলোৰে টার্গেট হয়েছে বিজেপি। কিন্তু লাভ নহব, একেবারে নহয়, একেবারে নয়, কাবিলাক কাটিব আর আমি মসৃণভাবে জিকিম। মোর মতে নহয়, মোর মতে আগরপরা কই আছো, আজি দুমাহ ধরে কইছো, আজি কইছো নহয় নহয় নহয়। विधानसभा चुनाव से पूर्व नई राजनीतिक पार्टी के अस्तित्व में आने से भाजपा को फायदा होता है या नुकसान, यह तो चुनाव के बाद मतगणना के दौरान ही पता चलेगा। लेकिन असम जातीय परिषद के गठन से राज्य की राजनीति में हलचल तो निसंदेह बढ़ गई है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव। वही नए राजनीतिक पार्टी के गठन को लेकर पुराने असम जातीय परिषद के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष देबो सैकिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वसंत डेका और कृष्ण गोपाल भट्टाचार्य सब जानते हुए वे भी कैसे नए पार्टी का नाम असम जातीय परिषद रखा, जबकि 1989 में गठित असम जातीय परिषद 1991 के विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के संज्ञान में भी पार्टी का नाम है, फिर भी नई पार्टी का असम जातीय परिषद नाम कैसे रखा गया। मालूम हो कि वर्तमान में सैकिया असम मानव अधिकार आयोग के सदस्य है। उन्होंने नई पार्टी के नाम असम जातीय परिषद रखने पर आश्चर्य जताया। आश्चर्य हो जाने का ये नाम तो दिल है,
कारण अलरेडी ये दल तो 89 सन में गठन करा गठन कर एक नाम दल कने गठन कर ले चिंता विषय अलग चिंता चर्चा करूँ इलेक्शन कमिशन दल दी रेजिस्टार कर इलेक्शन कमिशन और आम आम 91 नौजने निर्वाचन तो प्रतिद्वंदा कर गति के कथा खी प्राय मानु जाने कृष्ण गोपाल भट्टाचार्य और डेकाय विषय तो जाने भल आम क्या चार बस पिछद छबस आंदोलन कर सरकार गठन कर पिछद आको आम क्या घपक उलिया हल ये गोटेख बस्तु अंत कृष्ण गोपाल भट्टाचार्य बिकज हि वज कन्स्टेन्टलि इन टाच उथ मी तो विशेषक जाने मूल खुद पारे नतुन प्रजन्म हूँ नजान पे आज 30 बस हूँ कितना एक डेका और कृष्ण गोपाल भट्टाचार्य कथा तो भल्के जाने तथापि कि चिंता चर्चा कर पे गठन कर उधर भाजपा के युवा नेता तथा मंत्री पीयूष हजारिका के नए पार्टी को लेकर दिए गए बयान पर आसू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आसू के अध्यक्ष दीपांक नाथ ने हजारिका पर हमला बोलते हुए कहा कि जिसकी जितनी सोच होती है वह उतना ही बोल सकता है। विभिन्न समय मंतव्य टेक्निक सकोरे कथा कहार टेक्निक बेलेग ग मैं भाव जो जार जी दृष्टिभंगी सीदर दृष्टिभंगी आग बढ़ाई थकक मैं भाँ जो जतियों स्वार्थ सुरक्षित करें विकल्प शक्ति सीधरणे प्रतिष्ठित हमें मैं भाँ जो जतिए भल पा। उन्होंने आगे कहा कि असम जातीयतावाद की भावना को देखते हुए नई पार्टी का गठन किया गया है। एटा दल कन्टिन्यू हो निर्दिष्ट समय मूरे मूरे अधिवेशन पाव लगे और प्रति 5 बस मूरे मूरे निर्वाचन अवतीर्ण हम लगे जीतु नाम थका दल इतिम्य एबार इलेक्शन खेल पिछत दुबार इलेक्शन अस्तित्व इतिम्य ना क्या दलर सामिल हो गल जीतु एफिलियेशन बातिल नाम तो कथा नतियों सेंटिमेंट लगा दले आग जा এই বিষয়টো আগবঢ়াই লৈ যাওঁতে কোনো এটা আগতে থকা দলৰ নামো হ'ব পাৰে এটো একো বিশেষ সাংঘাতিক কথা একো নহয় গতিকে আমি ভাবোঁ যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু এ জে ৱাই চি পিৰ ঔৰসত জন্ম হোৱা এটা জাতীয় সত্তা যিটো সত্তা জন্ম দিবৰ কাৰণে আমি এছামক দায়িত্ব দিছিলোঁ তেওঁলোকে এটা নাম ঠিক কৰি পেলাই দিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই এই নামৰ লগত বা এই বিষয়টো আগবঢ়াই নিয়া